बिश्नुपुर से लाइव ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो शुरू हो गया और यहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, एक तरफ हमने देखा बांकुरा में जोरदार हमला बोलते हुए बीजेपी पर ममता बनर्जी को, जेपी नड्डा के रोड शो में इस वक्त क्या हो रहा है बताएं जरा। देखिए, जेपी नड्डा का रोड शो इस समय जारी है। यहाँ पर ये बिशनपुर इलाका है बांकुरा में, और यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। काफ़ी देर से जेपी नड्डा का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा था, और महत्वपूर्ण ये है कि ममता बनर्जी भी यहीं पर हैं, तो ऐसे में जेपी नड्डा का यहाँ पर आने के मायने और भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये उनका रथ है और इसी रथ के ठीक पीछे समर्थक चल रहे हैं, आगे भी समर्थक हैं। इस पूरे इलाके में कोशिश इस बात की है कि एक मैसेज दिया जाए कि बीजेपी के नेता दूर दराज राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आए हुए हैं, और बड़ी बात यह है कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसमें बहुत कुछ जो टीएमसी का पैटर्न है उस पैटर्न को भी ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि टीएमसी की कहां पर रैलियां, ममता बनर्जी कहां पर जा रही हैं। और एक बात और है, हमने ध्यान दिया है कि पर्सनल अटैक करने से मना किया गया है, तो वो भी असर दिखाई पड़ रहा है। कोई भी नेता ममता बनर्जी की चोट पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है बंगाल के आने वाले चुनावों में, इसलिए ताकीद ये की गई है बीजेपी के नेताओं को कि चोट पर, ममता बनर्जी की चोट पर कोई कटाक्ष नहीं किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी, अभिषेक, बहुत ज़्यादा हमलावर नजर आ रही हैं, और जहाँ जा रही हैं वहाँ पर लोगों से ये कह रही हैं कि बीजेपी को अपना वोट लूटने मत देना, खेला होबे। ममता बनर्जी के इन तल्ख आरोपों का कैसे जवाब देती नजर आ रही है बीजेपी? देखिए, ये अभी जो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किनारे किनारे लोग चल रहे हैं, ये बिशुनपुर की सड़कें हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड इलाका है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक ही नारा लग रहा है, जय श्री राम। ये नारा बीजेपी ने अपनी ओर लिया है, उधर से खेला हो बे, इधर से जय श्री राम। और यहाँ पर सबसे जो कोशिश बीजेपी की ये है कि इसी नारे के इर्द गिर्द लोग इकट्ठा हों, और चूंकि गांव देहात में भी इस नारे को जम करके लोग ले रहे हैं, लोग रैली कर रहे हैं, तो वो एक 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 बड़ी कवायद है। और दूसरी बात ये है कि एक के बाद दूसरे, यहाँ खड़गपुर में इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, आज यहाँ जेपी नड्डा आए हुए हैं, पीएम मोदी की भी कुछ ही दिनों में नज़दीक के इलाकों में रैली है, योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, तो ये सब एक जो पूरा स्टार पावर है बीजेपी अपनी, वो उतार रही है इस खास तौर पे इस जंगल महल के इलाके में, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी। अब वो चाह रही है कि ये जो लोकसभा की सफलता है इसको आगे भी बरकरार रखा जाए। जी, सहानुभूति फैक्टर कितना हावी होता हुआ नजर आ रहा है अभिषेक उपाध्याय, क्योंकि लगातार पिछले एक दो दिनों से मैं देख रहा हूँ ममता बनर्जी जहाँ जाती हैं वो ये जिक्र करना नहीं भूलती कि किस तरह से उनके सुरक्षा प्रभारी को हटा दिया गया और उसके बाद उनके ऊपर अटैक हुआ। आज गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से बहुत हमले किए गए और चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप का बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया। तो इन सारे आरोपों का जवाब बीजेपी कैसे दे रही है, कैसे काउंटर कर रही है अपनी रैलियों में? देखिए, बीजेपी की ओर से जो बड़ी बात है कि वो ममता बनर्जी वाले मामले में चूंकि आयोग की रिपोर्ट आ गई है, वो उस रिपोर्ट को ही मान के चल रहे हैं कि पब्लिक को मैसेज गया है, वो नहीं चाहते हैं कि उसको बीजेपी की ओर से और उस पर अटैक किए जाएं ताकि ममता बनर्जी को सहानुभूति का फैक्टर मिले, इससे वो बचना चाह रहे हैं। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है बीजेपी के सामने कि टीएमसी से जो लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाए, किस तरह से असंतोष जो पनप रहा है उसको रोका जाए, और जो एक मोमेंटम बन गया था उस मोमेंटम को किस तरह से मेंटेन किया जाए, वो एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने बन रही है। और देखिए, अभी यहाँ पर हमको जैसे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, आगे भी लोग खड़े हुए हैं, ये जो मैसेज है बीजेपी देने की कवायद कर रही है कि हम उन इलाकों में हमारी पैठ बन चुकी है जो कि टीएमसी का गढ़ कहे जाते थे, ट्राइबल्स हमारे साथ हैं, पिछड़े जो हुआ जो तबका है वो हमारे साथ है, और ये जो मोबिलाइजेशन हो रहा है ये कोर वोट बैंक का मोबिलाइजेशन है जो कभी टीएमसी के साथ था, 2019 में शिफ्ट होना शुरू हुआ और वो आज भी बीजेपी के साथ इंटैक्ट है, इसी बात का मैसेज देने की कवायद है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, बंगाल का सियासी मंगल है, जोरदार टक्कर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में नजर आ रही है। बांकुरा में ही मौजूद हैं इस वक्त दो दिग्गज नेता, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। ममता बनर्जी कर रही हैं चुनावी सभाएं,
एक के बाद एक बांकुरा में ही और बांकुरा में ही मौजूदगी है बिष्णुपुर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की। कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल के तमाम बड़े नेता उनके साथ नजर आ रहे हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।